हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हो। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर 6.31 इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर इज्क्वल टू 110 एंड एंगल आर एस टी इज्क्वल टू 130, फाइंड एंगल क्यू आर एस। हमको हिंट दे रखा है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। ये हमने आर से एक पैरेलल टू एस टी में लाइन हमने खींच दी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमको देना है एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस। तो ये 130 है, एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180। तो हम लिख लेते हैं 130 डिग्री प्लस एक्स इज्क्वल टू 180। तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री, जो है हमारा एंगल एस आर यू इज़ टू 50 डिग्री। ये हो गया। ये जो 110 डिग्री है और ये एंगल, ये वाला आर क्यू आर यू, ये हमारा 110 होगा अल्टरनेट एंगल, तो हमारा क्यू आर एस निकल आएगा। क्यू आर एस प्लस एस आर यू इज्क्वल टू 110 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस इज्क्वल टू 110 माइनस 50 डिग्री। तो हमारा एंगल क्यू आर एस आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये आ गया हमारा क्यू आर एस की वैल्यू 60 डिग्री। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर 6.32 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू इज्क्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इज्क्वल टू 127 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई। तो इसमें ये x इज्क्वल टू 50 डिग्री होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो x की वैल्यू पहले ही 50 डिग्री आ गई। अब ये 127 डिग्री है, तो हम जानते हैं ये दो अपोजिट एंगल का सम, ये आउटसाइड एक्सटीरियर एंगल होगा। तो x प्लस वाई इज्क्वल टू 127 डिग्री। तो x है हमारा 50 डिग्री, तो y इज्क्वल टू 127 माइनस 50 डिग्री। तो आ जाएगा हमारा वाई, आ जाएगा 77 डिग्री। तो हमने आपको बताया फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।